Hi, this is Sana Khan and you're watching Exposed India. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रविवार देर रात पुलिस ने 1.25 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। जानकारी के अनुसार गुलावटी पुलिस व एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश डकैत साहब सिंह गुलावटी थाना क्षेत्र में मौजूद है, जिसके आधार पर पुलिस ने डकैत साहब सिंह को गिरफ्तार करने का जाल बिछाया और फिर उसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को देख डकैत साहब सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते पुलिस को भी अपने बचाव में डकैत साहब सिंह पर फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग के दौरान पुलिस के जवाबी में डकैत साहब सिंह मौके पर ही घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उस दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करार दिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस के भी 3 सिपाही घायल हो गए। कल देर रात्रि थाना गुलावटी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम से एक अपराधी की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि वो अपराधी मारा गया। इसकी शिनाख्त साहब सिंह के नाम पे हुई है, जो कि एक बावरिया है, और उसके ऊपर जनपद गोंडा से संबंधित एक मुकदमे में 1 लाख रुपए का इनाम तथा बुलंदशहर के एक मुकदमे में 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके ऊपर अब तक 6 मुकदमों की जानकारी मिली है, जिसमें डकैती और डकैती के दौरान हत्या जैसे गंभीर मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक अपराधी के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है, वह अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गौरतलब है कि डकैत साहब सिंह बावरिया गैंग का बेहद ही सक्रिय सदस्य था। उस पर यूपी के गोंडा में 2 बच्चे समेत 5 लोगों की हत्या के आरोप में 1 लाख रुपए, जबकि बुलंदशहर में इस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। डकैत साहब सिंह ने जरायम की दुनिया में बेहद ही आतंक कायम किया हुआ था। हालांकि डकैत अब मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के बाद डकैत के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।